नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण कुमार पर हैदराबाद की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी ने शादी के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर बंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वरुण कुमार का संबंध हिमाचल प्रदेश के चंबा से है, लेकिन फिलहाल उनका परिवार पंजाब के जालंधर में रहता है। शिमला जिले में आज सुबह के समय जुंगा मार्ग पर अश्विनी खड्ड में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दो मजदूरों की दबकर मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि डॉक्टरों को एनपीए दिया जाएगा और किस तरह से ये एनपीए दिया जाएगा इसको लेकर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की जाएगी। हिमाचल में 2500 करोड़ रुपए से रेलवे का विस्तार होगा, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1700 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ का प्रावधान नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भले ही अब अच्छी बारिश और बर्फबारी हुई हो, लेकिन इससे अब तक फसलों को हो चुके नुकसान की भरपाई होना काफी मुश्किल है। जिला मंडी में 10,473 हेक्टेयर में सूखे की वजह से फसलें प्रभावित हो चुकी हैं। ऐसे में बारिश से इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सोलन शहर के शांति बाईपास के पास आज सुबह एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। सिरमौर जिले की माजरा पुलिस ने बीती रात एक हरियाणा नंबर की कार से 20 ग्राम अफीम बरामद की है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे 30 साल की कैद की सजा सुनाई है और उसके कृत्य को बर्बर करार दिया है। मंदिर में दुष्कर्म की यह घटना 2018 में हुई थी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का एक फाइटर फिल्म का एक किसिंग सीन है जो उन्होंने भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म पहनकर किया है, जिसकी वजह से फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस दिया गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉगिन करें etvbharat.com।